नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है फार्मास्यूटिक्स लेक्चर बाय डॉक्टर शिल्पी प्रसाद चैनल में। आज मैं आपको CSVTU छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई द्वारा जो ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ, स्पेशली फॉर द सेशन 2021-22। इससे पहले आप CSVTU के वेबसाइट में जाएंगे, csvtu.ac.in में जाएंगे और फिर एनरोलमेंट फॉर्म के इस लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक कर वेब पेज खुलेगा, नया वेब पेज खुलेगा जिसमें लिंक्स फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसमें आपको दो लिंक्स मिलेंगे, एक ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट का और दूसरा मिलेगा यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। यूजर मैनुअल आप पहले पढ़ लें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे एनरोलमेंट फॉर्म भरना है, और एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपके पास फिर एक नया पेज खुलेगा, वेब पेज खुलेगा और ये वेब पेज में digivaricity.online csvtu.digivaricity.online करके एक वेब पेज खुलेगा और इसमें आपको यहाँ पे एक दिखेगा एनरोलमेंट फॉर एडमिशन इनटू CSVTU। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक के पास फिर एक नया वेब पेज खुलेगा और इसमें आपको DTE का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जहां भी रेड से स्टार मार्क किया हुआ है दैट मीन्स कि वो मैंडेटरी है, उसको बिना डाले आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे DTE का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जैसे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ BDP करके स्टार्ट होता है, करीब 12 डिजिट का ये नंबर रहता है। ये आपके एडमिशन फॉर्म के सबसे ऊपर दिया रहता है, इसको आप डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिशन फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा आपने फिल किया है DTE के वेबसाइट में, पहले CGDTE में डाला है आपने, बिल्कुल वैसे ही डालेंगे। रोल नंबर अगर आप अपियर हुए हो, जैसे PET या PPHT किसी व्यापम की परीक्षा में अपियर होने के बाद क्वालिफाई करके अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपके पास एक रोल नंबर भी होगा उसका, उस रोल नंबर को डालेंगे। ये भी एडमिशन एडमिशन फॉर्म में दिया रहता है, DTE के द्वारा प्राप्त जो एडमिशन फॉर्म है उसमें दिया रहता है। नेम ऑफ स्टूडेंट आप डालेंगे यहाँ पर अपना, और फादर्स का नाम डालेंगे, अपने पिताजी का नाम डालेंगे, फिर ये जो कैप्चा है इसको सही सही भरेंगे। देन यू हैव टू क्लिक द सर्च एप्लीकेशन, उसके बाद आप इस सर्च एप्लीकेशन को भरेंगे। नया वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि कैसे कैसे भरना है। सबसे पहले तो इसमें ये जानकारी दी हुई है कि एप्लीकेंट जो भी है उसको 18 साल से ऊपर का होना चाहिए और DTE काउंसिलिंग के थ्रू ही आया हुआ होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन दो स्टेज में कंप्लीट होगा, एक तो एप्लीकेशन भरना है, फिल द एप्लीकेशन एंड एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन। पहले आपको एप्लीकेशन भरना है और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, फिर पेमेंट करना है, ऑनलाइन मोड से पेमेंट होगा और एक्नॉलेजमेंट जो होगा आपको मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एनरोल्ड फॉर्म, उसका प्रिंट आउट आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। मोबाइल नंबर वगैरह अपने अपना खुद का स्वयं का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और इन्हीं इसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू यूनिवर्सिटी आपसे कम्युनिकेशन करेगी। एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अपने फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर को JPG फॉर्मेट में स्कैन करके रखेंगे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, और इसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एनरोलमेंट फीस 2500 रुपए है, 2500 रुपीज है जो कि आपको ऑनलाइन के द्वारा ही भरा जाना है। नीचे जस्ट इस पेज के नीचे आप देखेंगे ये सब आपको फिल करना है और ये ऑटोमेटिकली फिल्ड हुआ रहेगा क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ही डाल चुका रहा है, इसलिए ये जो है ऑटोमेटिकली फिल हो चुका रहेगा। जैसे BDP जो रजिस्ट्रेशन नंबर है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने पहले डाला है। रोल नंबर भी आपने डाला हुआ था वो भी ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोर्स का नाम भी वो ले लेंगे अपने आप, कॉलेज कोड और कॉलेज का नाम भी ले लेंगे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, एनरोलमेंट टाइप भी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ध्यान रखें कि इसकी साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्स टाइप में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कोर्स टाइप कैसा है, एडमिटेड कोटा में CG कोटा, अदर CG कोटा, मैनेजमेंट कोटा, जिस भी कोटा के थ्रू आपने एडमिशन लिया है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एडमिशन ईयर वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, डेट ऑफ एडमिशन जो आपके एडमिशन फॉर्म में जिस डेट पे आपने एडमिशन लिया था वो उसमें लिखा रहता है, आप उस डेट को यहाँ डाल। एग्जाम टाइप में जैसा आपका एग्जाम टाइप है, जैसे कि सेमेस्टर एग्जाम या ईयरली पैटर्न पे है, वो आपको ऑप्शंस दिखेगा उसको आप भरेंगे। प्रोग्राम नेम ऑटोमेटिकली ले लेंगे ये, क्योंकि इसका लिंक DTE के थ्रू आप सारी चीजें, ये जो DTE से लिंक्ड है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ले लेंगे। अगर आपने पहले किसी कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो यस
करेंगे सीएस वीडियो के किसी कोर्स में, अगर पहले किसी सीएस वीडियो के कोर्स में इनरोल नहीं किए हुए थे तो आप नो करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट अपने आप ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल डिटेल्स में कौन से स्टेट के आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है उसका डेट यहाँ पे डालना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना है। आपको ध्यान रखें, ध्यान से डालेंगे ये सारी चीज़ों को, ये सब मैंडेटरी है। कौन इशूइंग अथॉरिटी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, वो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है। पर्सनल डिटेल्स में फिर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जो कि डीटीई के द्वारा वो सर्च कर लेगा, बाकी कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि फिजिकली चैलेंज्ड है कि नहीं, और कास्ट अगर नहीं है तो नो डालेंगे, है तो यस डालेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट डेट, इशू डेट जो रहेगा, जाति का जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको मिला है उसका जो सर्टिफिकेट डेट इशू डेट है वो यहाँ डालेंगे। सर्टिफिकेट का एक नंबर भी होता है, उस नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे। इशूड बाय कौन सी अथॉरिटी ने इशू किया है तो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, नेशनलिटी इंडियन एंड ब्लड ग्रुप जो आपका रहेगा वो डालेंगे। इस नेक्स्ट पेज में आपको कुछ अदर डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपका कुछ गैप है तो, अगर गैप है तो यस और अगर नहीं है तो नो। जैसे अगर आपने 2021 में ही 12th किया है तो कोई गैप नहीं है तो नो डालेंगे, और अगर आपने पहले 12th किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है लेकिन बीच में आपने कहीं और एडमिशन नहीं लिया है जिसका मतलब आपका गैप है तो आप यस डालेंगे, और गैप सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा। अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एडमिशन, वहां से पास होके यहाँ हम सीएसवीटीयू में एडमिशन लेने आए हैं तो आपको माइग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। सीजी बोर्ड के जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सीबीएसई बोर्ड या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से पास आउट स्टूडेंट्स को या दूसरे बोर्ड्स, दूसरे स्टेट के बोर्ड्स के पास आउट स्टूडेंट्स को माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है तो उन सारे केसेस में यस डालेंगे। अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है कुछ एग्जाम जैसे कि पीपीएचटी या पीईटी तो उसका स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो यस डालेंगे, और अगर नहीं है, आपने कोई क्वालिफाई नहीं किया है जैसे जिसमें जरूरत नहीं रहती है क्वालिफाई करने की, तो फिर नो डालेंगे। परमानेंट एड्रेस डालेंगे, अपना सारी डिटेल्स डालेंगे, लोकेलिटी, स्टेट वगैरह, और अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, टिक लगाना होगा। अगर सेम नहीं है तो प्रेजेंट एड्रेस आप अपना फिर अलग डालेंगे और परमानेंट एड्रेस अलग डालेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक की इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लिस्ट दी हुई है, आपने जो जो पढ़ाई की हुई है जैसे कि 10th, 12th और ये तो बेसिक पढ़ाई होती ही है, उसके अलावा अगर ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना है। ये सब भरने के बाद आप सेव करेंगे। सेव बटन दबाने के बाद आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जमा करने हैं कॉलेज में इसको टिक लगाएंगे, या आप मैनुअली टिक लगाएंगे कि आपको क्या क्या जमा करने हैं। फोटोकॉपी क्लास 10th की मार्कशीट जमा करनी है और क्लास 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा करनी है, ये जैसा आप लोगों का जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करेंगे। जैसे कि अगर बी फार्म के लिए आपको देखा जाए तो आपको इसमें लगेगा क्लास 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, क्लास 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और इसके अलावा फिर अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन लगेगा ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेगी, और अगर गैप है कुछ तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। इसके अलावा अगर पीपीएचटी स्कोर कार्ड है आपके पास तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट में कुछ आधार कार्ड जैसे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट अगर जरूरत पड़ती है तो उसको भी लगाएंगे। तो इस तरीके से ये सब फोटोकॉपीज आपको जमा करनी है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनरोलमेंट फीस अभी 2,500 रुपये है, 2,500 है, ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके बाद फिर आप डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नया खुलेगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि आपने जो भी चीजें यहाँ भरी हुई हैं इस फॉर्म में वो सब आपके द्वारा भरी गई है और सब सही सही भरी गई है। उसके बाद आपके पास ये एक ऑप्शन खुलेगा इनरोल एंड प्रोसीड, इसको क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसेस प्रक्रिया की जाएगी, और देन उसके बाद फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिसका कि प्रिंटआउट आपको अपने पास भी रखना है और एक प्रति कॉलेज में भी जमा करनी है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और अगर किसी तरीके की परेशानी है तो आप
डेस्क डिटेल्स दिया हुआ है जिसमें ईमेल आईडी दी हुई है csbtu.digivaricity@gmail.com और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ये आपको यूजर मैनुअल में भी दिया हुआ है 8770484845, ये नंबर मोबाइल नंबर है। वर्किंग डेज में आप 10 से 5 के बीच में आप कॉल करके इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप You have liked this video very much.